एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अगेन मैं रेसिपी की वीडियो नहीं लेकिन एमआई रोबोट वैक्यूम मॉप 2 प्रो का रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ, जिससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये कैसे वर्क करता है, वर्थ है या नहीं, ये सब आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना। सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे बड़े से बॉक्स में ये रिसीव हुआ है। इसे हमने एमआई स्टोर से ऑनलाइन परचेज किया है। ये इसका मेन पार्ट है, रोबोट। इसके साथ हमें दूसरे अटैचमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ये साइड ब्रश है, ये इसका मैनुअल है, और ये है इसका वाटर टैंक एंड मॉप पैड, जो फ्लोरिंग पे पोछा लगाने का काम करता है। इसमें क्लीनिंग टूल और एक्स्ट्रा मोपिंग क्लोथ है, और ये है उसका चार्जिंग डॉक, जहाँ पर रोबोट चार्ज होता है। ये चार्जिंग वायर है, और अब हम रोबोट को ओपन करके देखते हैं। वाव, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, मैं तो इसे ब्लैक ब्यूटी कहूँगी। ये इसका डस्ट कंपार्टमेंट है, जहाँ पर सारी डस्ट कचरा कलेक्ट होगा। इसे निकालना और इंसर्ट करना बहुत इजी है। ये वाटर टैंक और मॉपिंग पैड है। ये मॉपिंग क्लॉथ है, जिसे यहाँ वेलक्रो से चिपकाया जाता है और स्लाइड करके निकाला जाता है, ताकि मॉपिंग करने के बाद आसानी से हम इसे वॉश कर सकते हैं। इस वाटर टैंक की कैपेसिटी 250 ml है, और यहाँ से पानी भरना है और इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब इसे रोबोट के चार्जिंग वाले नीचे के हिस्से में ऐसे इंसर्ट कर देना है, और दोनों साइड्स के बटन को ऐसे प्रेस करके इसे निकाल सकते हैं। इसकी बैटरी की कैपेसिटी 5200 mAh है, और यहाँ पे रहती है 3 hours, आराम से काम देती है, और इसको चार्ज करने में 10 to 12 hours लग जाते हैं। मेन ब्रश को क्लीन करने के लिए इस तरह से निकाला जाता है, और क्लीनिंग टूल से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे ऐप के थ्रू यूज कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले इसे ऐप से कनेक्ट करने के लिए इस दोनों बटन को 7 सेकंड प्रेस करना है। एमआई होम ऐप डाउनलोड करके इसे सारी परमिशन देके इस प्लस आइकन से रोबोट को ऐड कर लेना है। यहाँ से डिवाइस रीसेट बटन प्रेस करने से मोबाइल रोबोट को सर्च करने लगता है और कनेक्ट हो जाता है। मैंने पहले से ही मैप बना के रखा है, लेकिन आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 3 डॉट क्लिक करके क्रिएट मैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से करने से मैप बनने लगेगा। ये मैप बन चुका है। मैप को एडिट करने के लिए एडिट एरिया में जाके रूम्स को डिवाइड, मर्ज या रीनेम कर सकते हैं। इस तरह से वर्चुअल वॉल और रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी सेट कर सकते हैं, जिससे वो सिलेक्टेड एरिया में रोबोट नहीं जाएगा, जैसे कि कारपेट एरिया। वैक्यूम मॉप सेटिंग्स में रोबोट के नोटिफिकेशंस, मॉपिंग मोड और दूसरे सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि वो कहाँ पे वर्क करता है और कहाँ पे नहीं। मैंने फ्लोरिंग पे राई और जीरा फैला के रखा है, तो देखते हैं इस पे ये कैसे वर्क करेगा। इसके लिए सबसे पहले ऐप में जाएंगे और टॉप राइट का आइकन क्लिक करके जिस एरिया में हमें क्लीनिंग करनी हो वो एरिया सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से एरिया सिलेक्ट हो जाने के बाद वैक्यूम का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि राई को ये थोड़ा सा उड़ा देता है और जीरा इसमें आ जाता है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। लेकिन नॉर्मल कचरे के साथ ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो छोटा कचरा होता है, डस्ट होता है, वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है
और फर्नीचर के नीचे के हिस्सों में भी बहुत ही अच्छे से सफाई होती है। नॉर्मली जो हम हाथों से झाड़ू लगाते हैं उससे तो ये 100% बेटर ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ वैक्यूम होता है तो डस्ट भी उड़कर फर्नीचर पे नहीं लगती। अब आप मॉपिंग भी देख सकते हो। मॉपिंग आप दो तरीके से करवा सकते हो, रेगुलर और प्रोफेशनल। हाई वाटर सेटिंग में प्रोफेशनल मॉपिंग नॉर्मल से अच्छा होता है। फाइनली आपको कहूँ तो अगर आप मेड से परेशान हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास अच्छी मेड हो तो वो इससे बेटर है, क्योंकि रोबोट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि दरवाजे के पीछे या स्टेयर पे आपको करना पड़ता है, और काम पूरा हो जाने के बाद इसका डस्ट कंपार्टमेंट खाली करना, मोपिंग क्लोथ को क्लीन करना, ये सब भी आपके ऊपर रहता है। और जब फ्लोरिंग ज़्यादा गंदा होता है तब इसका मॉपिंग ज़्यादा अफेक्टिव नहीं रहता, कभी कभी दो बार करवाना पड़ता है। नॉर्मल फ्लोरिंग में अच्छे से काम देता है, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में ये वर्थ है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जितना ज़रूरी लगा उतना आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, और थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद जय भारत।